हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ आलू और सोया बड़ी की सब्ज़ी शेयर करने वाली हूँ। ये रसदार सब्ज़ी आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और आप इसे वीक में एक बार तो ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होते हैं और ये खाने में टेस्टी के साथ बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं तरह तरह की खाने की वीडियोस। चलिए दोस्तों, सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम सोयाबीन लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसे उबालने का सही तरीका आप वहाँ से चेक कर लीजिए। उसके बाद मैंने 3 आलू लिए हैं, ये बड़े आलू हैं जिसे मैंने बॉयल कर लिया है और इसे हम कट कर लेंगे इस तरह नाइफ़ से। तो आप जैसे भी काट लीजिए इसे और इसे साइड करके रख लीजिए। तो सबसे पहले हम पैन को चढ़ाएंगे सोयाबीन को फ्राई करने के लिए। 1 बड़ी चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें सोयाबीन को डालेंगे फ्राई करने के लिए। तो डाल लीजिए। चलिए देखिए, हमने डाल लिया है और हम आँच को मीडियम में रखेंगे और धीरे धीरे करके इसे फ्राई कर लेंगे। तो सोयाबीन फ्राई होने पर ये टेस्टी लगते हैं। तो सबसे पहले आप सोयाबीन को फ्राई कर लीजिए। देखिए ये काफ़ी फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे। निकाल लीजिए एक अलग प्लेट में और फिर से हम पैन को चढ़ा लेंगे सब्जी बनाने के लिए। तो सेम पैन में हम क्या करेंगे, 2 से 3 बड़ी चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे और गर्म होने के बाद 1 तेज़पत्ता डालिए और उसके बाद हम 1/2 छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल लेंगे और इसे थोड़ी सेकेंड्स के लिए चटकने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने सिंपली इस तरह से कट किया है। 2 हरी मिर्च भी लेंगे बारीक कटा हुआ और इसे हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह से मीडियम आंच पे चलाएंगे। तो प्याज को भी फ्राई करना है हमें। और साथ में हम डाल लेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप्ड किया हुआ और इसे हम सॉफ़्ट होने के लिए रखना है हमें। तो प्याज को भी सॉफ़्ट करना है, जिसके लिए हम लीड को बंद करेंगे 2 मिनट के लिए आंच को कम करके, ताकि हमारे टमाटर और प्याज सॉफ़्ट हो जाएं ग्रेवी बनने के लिए। तो रसदार सब्ज़ी हम ऐसे ही बनाएंगे। 2 मिनट हो जाने के बाद देखिए हमारे टमाटर काफ़ी सॉफ़्ट हो गए हैं और प्याज भी। आँच को कम कर लीजिए और उसके बाद मसाले मिलाएंगे। 1/2 बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच हम कश्मीरी लाल का पाउडर भी मिलाएंगे। 1 छोटी चम्मच हम अदरक का पेस्ट और 1/2 बड़ी चम्मच हम लहसुन का पेस्ट मिला लेंगे। तो सारे चीज़ को हमने मिला लिया। थोड़े से पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो पाए। तो आँच को मीडियम में रखिए और मसालों को धीरे धीरे करके फ्राई कर लीजिए। तो मसाले अच्छी तरह से फ्राई होंगे तभी तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके ये फ्राई हो गए हैं और ऑयल भी निकल गया है इसका। तो बॉयल किया हुआ पोटैटोज डाल लिए हैं हम और सोयाबीन भी डाल लेंगे। तो सारे चीज़ फ्राई हो गए हैं और लास्ट में हम डालेंगे नमक। तो नमक स्वाद अनुसार डालिए आप और इसे हम 2 मिनट के लिए हाई आंच पे फ्राई कर लेंगे। तो मसाले तो फ्राई हो चुके थे, तो अब हमें ज़्यादा फ्राई से नहीं करना है। तो चलिए अब पानी डाल लेते हैं हम। तो पानी आप अपने अनुसार डालिए, अगर आपको रसदार ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा पानी डाल लीजिए, ताकि सारे चीज़ हमारे उबले हुए हैं, अच्छी तरह से पके हुए हैं। और हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और कसूरी मेथी डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो कोई बात नहीं है दोस्तों। तो देखिए थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे, क्योंकि हमें रसदार सब्जी बनानी है। लीड को 5 मिनट के लिए बंद करेंगे आंच को मीडियम में रख के।
ओपन कर लिए हमने। तो देखिए सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है और उसके बाद हम कुछ फ्रेश धनिया डालेंगे, धनिया की पत्तियाँ, ताकि ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगेगी। तो देखिए हमने डाल लिया है और इसे हम मिला लेंगे और उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे क्योंकि हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है फाइनली। तो चलिए फटाफट से इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। कोई भी चीज़ में आप गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। आप इसे रोटी चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, आप इसे कभी भी बना सकते हैं और सबको खिला भी सकते हैं। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मैं आपके लिए तरह तरह की वीडियोस लाती रहूं और आपके साथ शेयर करूं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली।